जनरल सुबेग सिंह जी सहित अनेक शहीद सिंह सिंघणियां ने महान कुर्बानियां कीतियां। छोटे छोटे बच्चे इस्त्रियां तक नूं भारतीय फौज ने नहीं बख्शिया। जिस तरह 1962 दे विच भारत ने चीन ते हमला किया, 1965 ते 71 दे विच पाकिस्तान ते हमला किया, श्री अकाल तख्त साहब जो सिखां दी स्वतंत्र प्रभु सत्ता दा प्रतीक है, बिल्कुल पाकिस्तान ते चीन वांग ही इस महान तख्त श्री अकाल तख्त साहब दे उत्ते उस और उही व्यवहार किया इत्थे, जो व्यवहार जेतू फौजां जिहड़ियां किसी मुल्क दियां वो दूसरे मुल्क दे विच जाके उन्हां दे बशिंदियां दे उत्ते भी शायद ना करन, लेकिन साढ़े नाल उस तों भी भैड़ा माड़ा मंदा सलूक जिहड़ा है भारतीय फौज ने इस घल्लूघारी दे दौरान इस अस्थान दे उत्ते कीता है। एक ऐसा नसूर है सिख कौम दे पिंडे दे उत्ते जड़ा सारा साल रिसदा रहिंदा है, मैले नाल भर जांदा है, पीड़ करदा है, दर्द करदा है। और अज दे दिन असी खालिस्तान जिंदाबाद कह के उस मैली नूं बाहर कढ़दे हां ताकि साडी पीड़ ठंडी होवे, साडा दर्द घट होवे। इनू भुलाया नहीं जा सकता, इनू मिटाया नहीं जा सकता, यह हमेशा तक याद रहूगा। मैं कहना चाहना आप जी नूं कि असी इस नसूर का इलाज किस तरह करना है, इहदी दवाई की है असी जानते हैं, लेकिन प्राप्त किवें होनी है ये असी कदे सिर जोड़ के बैठ के सोचन विचारन दा जतन नहीं किया। अज जरूरत है कि असी अपने मत भेद भुला के, अज जरूरत है कि असी छोटे छोटे वितकरे भुला के श्री अकाल तख्त साहब जी की सरप्रस्ती दे विच इकट्ठे होके बैठिए। ये जिहड़ियां साडियां संस्थावां ने, चाहे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, चाहे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, चाहे चीफ खालसा दीवान है, सचखंड श्री हजूर साहब बोर्ड है, पटना साहब बोर्ड है, या साडियां संप्रदावां ने, साडियां सिख जथेबंदियां ने, यह साडी ताकत है। और इस ताकत नूं कदे असी कमजोर नहीं होण देना है। साडा सियासी विरोध वो अलग चीज है, होना चाहिए, लेकिन इन्हां संस्थावां नूं कमजोर नहीं किया जाना चाहिए सियासी विरोध की आड़ दे विच। साध संगत जी, सानूं बहुत सारियां ईमेल आईयां कि अज दे दिन नूं अमृतसर नसलकुशी ऐलानिया जाए। ये जिहड़ा 84 का घल्लूघार है, ये सिर्फ अमृतसर साहब के स्थान के उत्ते ही नहीं भारतीय फौज ने हमला किया, बल्कि 37 सिंह साहब जी ने भी दस्या 37 होर गुरधामों के उत्ते भी भारतीय फौज ने हमला किया, तो उत्थे भी शहादत हुई ने, सिंघां दीआं कुरबानियां हुई ने उत्थे सिंघां दीआं। नसलकुशी साडी होई है 1 नवंबर तो 4 नवंबर तक लैके दिल्ली कानपुर टाटा नगर दीआं सड़कां दे उत्ते, इत्थे साडे जरवाणियां ने मुकाबला किया है। जिनी अकाल पुरख ने मेरी पीरी दे मालक श्री गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने समर्था बख्शी सी, उस समर्था के मुताबिक भारतीय फौज नूं मूंह तोड़ जवाब दिता है, बिल्कुल उस तरह जिवें 1745 दे विच कानूवाल दे छंभ दे विच दिता सी, भावें 7000 सिंह बच्चे बच्चियां शहीद हो गए, कोपर हीड़े दे स्थान दे उत्ते मलेरकोटले दे विच वड्डे घल्लूघारे दौरान दिता सी, चाहे 35000 सिंह सिंघणियां शहीद हो गए, उवें 1984 दे विच वी साडे जरवाणियां ने भारतीय फौज नूं गुरु साहिब वल्लों बख्शी समर्था दे मुताबक मूंह तोड़वां जवाब दिता है। इस करके कौम इहनूं 84 का घल्लूघारा जिहड़ा है वह प्रवान कर चुकी है, सरकार इहनूं
ब्लू स्टार कहती है, सरकार इनू साका नीला तारा कहती है कही जाए। मैं मीडिया नूं भी कहना चाहना कि साका नीला तारा ब्लू स्टार ऑपरेशन ये शब्द जिहड़ा है वह वर्तन तो गुरेज किया जाए, क्योंकि ये सानू दर्द हुंदा है। इनू 84 का घल्लूकारा कहा जाए, ये घल्लूकारा सी, घल्लूकारे दा अर्थ हुंदा है सर्वनाश। ये साडा सर्वनाश करन दा यतन सी भारतीय फौज वल्लों जो इस अस्थान दे उत्ते कीता गया। असीं हर साल मनाउने आ, मनाउना चाहीदा वी है, सिर जोड़ के बैठीए। अंत दे विच मैं इहो कहूंगा, मत भेद भुला के बैठीए। सियासी विरोध अपनी जगह वो होना चाहीदा। एक गल मैं होर कहां, साडी खुशकिस्मती भी है, असी मर गए, लुट्टे गए, निगले गए, ये शब्द बहुत वरतदे आ, पर असी ताकतवर हैं। साढ़े ते गुरु साहब की कृपा है, मस्जिद ढा के मंदिर बना दिता गया, कई मुल्क है मुसलमानों के, लेकिन आवाज नहीं उठी। धारा 370 खत्म कर दिती गई, लेकिन आवाज नहीं उठी। तो साड़ी ये खुशकिस्मती है, गुरु साहब की कृपा है। पिछले कुछ दिन पहला यूपी दे विच एक सिख की कुटमार हुई, अमरीका तक सिखा ने विरोध किया, आस्ट्रेलिया के सिखा ने विरोध किया, इंग्लैंड के सिखा ने विरोध किया। ये साढ़े ज्यौदे होने का सबूत है। पैर दे विच जो साढ़े कोई माड़ी जी चोब मारदा ना, तो साढ़े सिर नूं पता लगता है, साढ़े शरीर नूं पता लगता है, ये जिंदा होने की निशानी है। साढ़े एक सिख दे नाल दुरव्यवहार किया जाता है भारत की धरती के उत्ते या दुनिया के किसी हिस्से के उत्ते, साड़ी पूरी कौम जिहड़ी है वह उठ खड़ी हुंदी है। पार्लीमेंटां के सामने मुजहरे हुंदे ने, एजेंसियां के सामने मुजहरे हुंदे ने, ये साडे जिंदा होने का सबूत है। असी जिंदा है, साढ़े ते गुरु साहब की कृपा है, निराश होने की जरूरत नहीं है साध संगत जी। अंत दे विच बहुत सारे सियासी पार्टियां के आगू शामिल होए ने, धार्मिक संप्रदावां दे जथेबंदियां दे मुखी शामिल होए ने, शहीद परिवारां दे मैंबर शामिल होए ने। मैं सभनां दा ही दिल दीआं गहराइयां दे विच्चों तहे दिलों बहुत बहुत धन्नवाद करदा। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का समुचा स्टाफ, प्रधान जी, मैंबर साहब, सिंह साहिबान हाजिर होए ने, सब दा ही बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह। सत श्री अकाल। प्लीज़ साडे चैनल सांझा पंजाब नू लाइक ते सबसक्राइब करो यूट्यूब ते।